बॉलीवुड में रिश्तों को लेकर कई बातें प्रचलित है। यहाँ रिश्ते बनते और बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, पर इस धारणा से अलग हटकर बॉलीवुड के कुछ सितारों ने अपनी अलग पहचान बनाई और बताया कि बॉलीवुड में होते हुए भी वो रिश्तों की अहमियत कैसे समझते हैं और उनका प्यार सिर्फ दिखावा नहीं है। आज हम आपको बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में रहकर भी अरेंज मैरिज की और आज अपनी वाइफ्स के साथ काफ़ी खुश हैं। नील नितिन मुकेश ने अरेंज मैरिज की, उनकी पत्नी रुक्मणी सहाय हैं। नील नितिन के माता पिता ने रुक्मणी को पसंद किया, वो अच्छे से जानते थे कि रुक्मणी उन ट्रेडिशंस को बहुत खूबी से निभाएंगी जिसमें नील नितिन बड़े हुए हैं और हुआ भी ऐसा ही, दोनों आज बहुत खुश हैं। जब मीरा ने शाहिद से शादी करने का फैसला किया था तो हर किसी ने मन में यही सवाल था कि वो एक्टर की लाइफस्टाइल को मैच नहीं कर पाएंगी, लेकिन मीरा ने शादी के बाद शाहिद की लाइफस्टाइल में भी खुद को ढाल लिया और घर के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी भी अच्छे से संभाली। मीरा दिल्ली की रहने वाली है और उन्होंने शाहिद कपूर के साथ खुद को अच्छे से एडजस्ट कर लिया। शादी के बाद माधुरी ने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी, लेकिन उनके हस्बैंड ने करियर को आगे बढ़ाने में काफ़ी साथ दिया। आज दोनों की शादी को 20 साल हो गए हैं, पर आज तक दोनों के बीच किसी तरह की अनबन की खबरें सामने नहीं आई हैं। विवेक ओबरॉय को सभी जानते हैं और वो उस समय और भी चर्चा में आ गए थे जिस समय ऐश्वर्या के नाम के साथ उनका नाम जुड़ा था, पर विवेक की शादी प्रियंका अलवा से हुई। विवेक की शादी को लेकर कहा जाता है कि एक्टर ने अपनी मां के कहने पर केवल 20 मिनट के अंदर शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लिया था जो उनकी ज़िंदगी का सबसे सही निर्णय साबित हुआ। आज विवेक की वाइफ उनके हर छोटे बड़े फैसले में उनका साथ देती हैं।